नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हैप्पी लाइफ प्रेजेंट्स योगीज मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, आज एक बहुत अहम सवाल का हम आपको जवाब देंगे, या यूं कहिए कि एक बहुत अहम विषय पर हम चर्चा करेंगे। बात आज होगी रत्नों को लेकर। हम आपको ये नहीं कहने वाले हैं कि आप ये रत्न धारण कर लीजिए या वो रत्न धारण कर लीजिए। आपके लिए डायमंड पहनना अच्छा होगा, या फिर आपके लिए ओपल पहनना अच्छा होगा, या फिर आपके लिए कोई और रत्न हम आपको सजेस्ट करेंगे। नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आज हम रत्नों के बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन आपको कोई सजेशन नहीं होगा कि आप क्या पहने, बल्कि बात होगी रत्नों के संसार के बारे में, इसके सच के बारे में, इसकी हकीकत के बारे में। क्या वाकई में एक पत्थर आपकी किस्मत चमका सकता है? क्या वाकई में एक पत्थर इतनी ताकत रखता है कि अगर आप उसे धारण करते हैं, उसे पहनते हैं, तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा? आज इसी सवाल का जवाब लेंगे एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश शर्मा जी से। स्वागत है योगेश जी। शुक्रिया मोनिका, धन्यवाद। योगेश जी, बहुत बार ये सवाल मन में आता है कि क्या एक पत्थर हमारी किस्मत बदल सकता है? क्या जवाब देंगे? अगर आपकी इसी लाइन का जवाब देना होगा तो जवाब होगा नहीं। कोई पत्थर आपकी किस्मत को नहीं बदल सकता, बल्कि दुनिया की कोई भी शक्ति आपकी किस्मत को नहीं बदल सकती। लेकिन हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं, आप एस्ट्रोलॉजी को मानने वालों में से हो, तभी आप ये प्रोग्राम को देख रहे हो, तो फिर ये इतनी ज्यादा विरोधाभासी बातें कैसे हो गई? बात यह है कि दुनिया में केवल और केवल एक ही इंसान है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है, वो है आप खुद। और ये जितने भी जेमस्टोन्स हैं, जितने भी आभूषण हैं, रत्न हैं, उपाय हैं, ये आपकी स्वयं में आने के लिए मदद करते हैं। आपको ईश्वर ने जैसा बना के भेजा था, वो परफेक्ट बना के भेजा था। ईश्वर ने आपको किसी पर्पस के लिए भेजा था, और उसी पर्पस को पूरा करते हुए जीवन में आपको तमाम जो कठिनाइयां हैं वो मिलेंगी, और उसी पर्पस को पूरा करते हुए आपको सारी कृपा भी मिलेगी। लेकिन जब आप अपने पर्पस से हट जाते हो, जब आप स्वयं में स्थित नहीं रहते, जब आप अपने आप को होने से ही हट जाते हो, तब सारी दिक्कतें आनी शुरू होती हैं, तब सारी पीड़ा आनी शुरू होती है। जो जेमस्टोन है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है जेमस्टोन, और ये जो जेमस्टोन है, ये उपायों का एक पार्ट है, ये अपने आप में कंप्लीट उपाय नहीं है, ये उपायों का एक हिस्सा भर है। जहां पे जरूरी है, जेमस्टोन को दवा की तरह जरूर रिकमेंड किया जाता है, लेकिन ज्यादातर कोई भी जेमस्टोन जो है जीवन भर पहनने के लिए नहीं होता। जेमस्टोन की ज्यादातर रोल होता है आपके काम के होने भर तक, और जो पर्टिकुलर काम आपका हो गया तो जेमस्टोन को उतार दीजिए। क्या बुखार सही होने के बाद आप दवा खाते रहते हैं? जी नहीं। और अगर आप खाते रहेंगे तो वो दवा कोई साइड इफेक्ट देके आपको और बीमार कर सकती है। ठीक इसी तरह का रोल जो होता है जेमस्टोन्स का होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में आता है, अगर हमने इनके ऊपर इतने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं तो बस एक काम होने भर से उतार दें। यहीं पे आके दिक्कत शुरू होती है कि जेमस्टोन जो है कई बार साइड इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपसे ये बात करूंगा कि जेमस्टोन को पहनना किस तरह से चाहिए, और किस तरह से जेमस्टोन के द्वारा आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, और साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम सोचते तो हैं जेमस्टोन कर देंगे, लेकिन जेमस्टोन वो करते नहीं है। जेमस्टोन जो है किसी ना किसी ग्रह को इंडिकेट करते हैं, जैसे पन्ना बुध के लिए होता है, माणिक्य सूर्य के लिए होता है, और नीलम शनि के लिए होता है। पीताम्बरी स्टोन जो है ये बृहस्पति और शनि दोनों के लिए मिक्स होता है। मोती जो है ये चंद्रमा के लिए होता है, और मूंगा मंगल के लिए होता है। इस तरह से हीरा जो है वो शुक्र के लिए है, ओपल भी शुक्र के लिए है, पुखराज जो है और या टोपैज है वो बृहस्पति के लिए है। हर ग्रह के लिए एक ना एक स्टोन दिया गया है। राहु के लिए गुमेद है, केतु के लिए कैट्साई है, यानी लहसुनिया है। तो क्या अगर राहु की दशा आपकी खराब चल रही है और आप गुमेद पहन लोगे तो क्या वो दशा सही रिजल्ट देना शुरू कर देगी? जी नहीं। आपको सबसे पहले अगर राहु का स्टोन पहनना है तो आपको दशा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमने ये देखा है कि ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर जो हैं, या कई एस्ट्रोलॉजर हैं, जो जिस ग्रह की दशा चल रही होती है उस ग्रह का पत्थर डलवा देते हैं, उस ग्रह का स्टोन पहना देते हैं, जो बहुत ही गलत एक प्रैक्टिस है। अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह आपको कोई फायदा देने वाले ग्रह हैं लेकिन कमजोर होकर बैठे हुए हैं, तो गुमेद पहनिए। फिर वो मैटर ही नहीं है कि राहु की दशा आएगी, अंतर दशा आएगी तो असर देगा, नहीं।
अगर राहु आपकी कुंडली में फायदा देने वाले एंगल में कहीं बैठे हुए हैं लेकिन कमजोर होकर बैठे हुए हैं, तो राहु का जो स्टोन है वो पहनने से आपको मिलने वाले फायदे बढ़ जाएंगे। लेकिन यही राहु अगर पीड़ा देने वाले स्थान पर बैठे हुए हैं और उनकी दशा आने के कारण आपने उसका स्टोन पहन लिया, तो ये उसकी पीड़ा को बढ़ाएगा। यानी मोटे मोटे तौर पर कोई भी स्टोन जो है अपने ग्रह के वजन को, ग्रेविटी को बढ़ाता है। अगर वो ग्रह पीड़ा कारक होगा तो पीड़ा को बढ़ा देगा, लेकिन अगर वो ग्रह जो है आनंद कारक होगा तो ये स्टोन जो है आनंद को बढ़ाएगा। तो कोई भी स्टोन पहनने से पहले कृपया ये जांच लीजिए कि जिस ग्रह का आप स्टोन पहन रहे हैं क्या वो आपके लिए पीड़ादायक है या आनंद कारक है। अगर वो योग कारक है, आनंद कारक है, डेफिनेटली उसका स्टोन पहनिए, बहुत ही अच्छे फल देगा। लेकिन उसमें भी आप ये याद रखिएगा कि ऐसे ही किसी ग्रह का स्टोन नहीं पहनना है। जीवन में किसी एक समय पर हम किसी ना किसी एक कार्य के लिए, किसी ना किसी एक उद्देश्य के लिए भाग रहे होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि हमारी जो जीवन है उद्देश्य विहीन हो। आज आपका एक उद्देश्य ये हो सकता है कि मैं अपने अपने परिवार के लिए खूब सारा पैसा इकट्ठा करूँ। कल को आपका ये उद्देश्य हो सकता है मैं अपने काम कारोबार में खूब तरक्की करूँ, या मेरी हेल्थ सही रहे, या मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहे। कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। उस उद्देश्य की अगर पूर्ति नहीं हो रही है तो कुंडली की जांच करवा के उससे रिलेटेड ग्रह के रत्न धारण करिए और उस उद्देश्य के पूरा होने के बाद उस रत्न को उतारना मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आपने वो रत्न पहने रखा तो वो दवा की तरह ही काम करेगा, कोई ना कोई और कोना जो है आपकी कुंडली का डेवलप करता रहेगा और लाइफ को थोड़ा सा असंतुलित कर देगा, इम्बैलेंस कर देगा। तो रत्नों को बिल्कुल केवल कार्य के लिए पहनिए, और सबसे बड़ी बात, रत्न को पहनते ही कभी असर नहीं होता। रत्न को असर शुरू करने के लिए 30 से 40 दिन का समय दीजिए, और ये जो 30 से 40 दिन का समय है ये आपके रत्न को आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लाने के लिए इतना कम से कम समय जो है वो ज़रूरी है। रत्न जो है धरती से निकलते हैं, तो इनका एलिमेंट क्या हुआ? इनका एलिमेंट हुआ पृथ्वी तत्व, यानी अर्थ एलिमेंट। तो आपकी कुंडली में अगर आपके जो पीड़ा आ रही है वो किसी जलीय तत्व के कारण आ रही है तो फिर यहाँ पे भी रत्न असर नहीं करेगा। रत्न का असर केवल उसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है जब आपके द्वारा आपको आने वाली जो पीड़ा है वो पृथ्वी कारक होगी। पंच तत्वों में अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश में आपके द्वारा दिए जाने वाले जो योग हैं या पीड़ा है जब ये पृथ्वी कारक होगी तो ही रत्न का असर होगा। नहीं तो अन्यत्र कई उपाय हैं, वो उपाय आपको असर देंगे, रत्न असर नहीं देगा। तो हर केस में रत्न नहीं पहना जा सकता। रत्न केवल तभी पहना जा सकता है जब आपको मिलने वाले जो योग हैं या आपको आने वाली जो पीड़ा है उसका कारक, उसका एलिमेंट जो है वो पृथ्वी हो। मैं आशा करता हूं मैं अपनी बात को आपको समझा पा रहा हूं। तो बिना बात के ऐसे ही रत्न को पहनना बंद कर दीजिए। ये रत्न कई बार ब्लेड की तरह हो जाते हैं जो गला भी काट सकते हैं। तो कृपा करके अपने जीवन का सम्मान करें, अपनी इज्जत करें और रत्नों को अपने ऊपर तजुर्बा करना बंद करें। क्योंकि तजुर्बा जो है वो चूहों के ऊपर होता है, बंदरों के ऊपर होता है। हम अपने आप को लेबॉरेटरी का चूहा नहीं बना सकते, इसलिए कृपया अपने ऊपर तजुर्बा मत करें। रत्नों को एक योग्य सलाह के बाद ही पहने ताकि ये जो रत्न है आपके जीवन में एक आशा अनुरूप परिवर्तन ला सकें। एक्सपेरिमेंटल यानी कि हमें बिल्कुल भी नहीं होना है, हम कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, दो सवाल यहाँ पर आपसे करना चाहूंगी। पहला, मैं चाहूंगी कि आप उन्हें रत्नों की, हमारे जो दर्शक हैं, रत्नों की ग्रेविटी के बारे में अच्छे से समझाए कि रत्नों की ग्रेविटी का अर्थ क्या है। दूसरा सवाल, ये जो ट्रीटमेंट है रत्नों का, ये बहुत कॉस्टली नहीं कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए हमने पहना और कार्य पूरा होने के बाद हम उसे उतार दें, बढ़ा दें? तो ऐसे तो हमारी लाइफ में हजार प्रॉब्लम्स हैं, एक के बाद एक परेशानी उत्पन्न होती है। अगर हम रत्नों पे डिपेंड रहते हैं तो ये तो बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट हो जाएगा। मोनिका देखिए, मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप हर समस्या के लिए रत्नों का सहारा लें। मैं कहता हूँ किसी भी समस्या के लिए रत्न मत पहने। लेकिन कोई समस्या अगर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, आपको लगता है कि 100 चीज़ें तो मैं सुलझा सकता हूँ, ये एक चीज़ नहीं सुलझ रही है, तो रत्न आपके लिए हैं। अगर आप हर चीज़ के लिए उपायों या रत्नों का सहारा लेना शुरू हो जाएंगे तो भी जीवन फेल हो जाएगा। तो फिर आप इस दुनिया में किस लिए आए? अगर आपको हर चीज़ का हल करने के लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता है, किसी गाइड की आवश्यकता है या किसी सहारे की आवश्यकता है,
सहारा बैसाखियों का होता है, और बैसाखी जो है केवल और केवल चोट लगने पर ली जाती है, रूटीन में नहीं ली जाती। तो ये जो रत्न है या उपाय हैं, ये बैसाखियों की तरह हैं। मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि इनका सहारा केवल तभी लीजिए जब आपकी 100 कोशिशों के बाद भी चीज़ हल नहीं हो रही है, तब इनका सहारा लीजिए। अदरवाइज ईश्वर ने आपको बहुत ही शक्तिशाली और संपूर्ण बनाकर भेजा है, इसलिए कृपा करके किसी भी अन्यत्र सहायता की आशा मत करिए। आप खुद में ही अपनी सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरी तरह से कैपेबल हैं। आपके दिमाग को उसी तरह से ईश्वर ने प्रोग्राम करके भेजा है। ज़रूरत है केवल अपने अंदर झांकने की, आत्मविलोकन करने की कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी शक्ति जो सोई हुई है जिसको मैं जगा लूं कि मेरी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। नहीं समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली ज्योतिष विद्या का, वास्तु विद्या का सहारा लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन हर चीज़ के लिए रत्नों का, हर चीज़ के लिए उपायों का सहारा मत लीजिए। एक तो कॉस्ट आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, दूसरा ये जीवन को पंगु बना के रख देगा, आप हर चीज़ के लिए बाहरी सहायता पर ही निर्भर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि भाई हम समस्या का समाधान चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। आप हमें ये मत कहिए कि इन मंत्रों का जाप कर लो या वो कर लो या ये तरीके का उपाय कर लो, कोई सस्ता का उपाय बताइए जो हमें कुछ ना करना पड़े। और ऐसे में लोग क्या करते हैं, बहुत सारी अंगूठियाँ पहन लेते हैं, क्या ये सही है? इन्हीं के कारण ज्योतिष विद्या से विश्वास लोगों का उठता चला जा रहा है। ये अंगूठियाँ असर नहीं करेंगी, लेकिन आपकी जेब के ऊपर अनावश्यक बोझ ज़रूर बना देंगी। तो आप देखिए, सबसे पहली बात है कि मरीज के पास चॉइस नहीं होती कि वो कौन सा दवाई खाए, कौन सी दवा ना खाए। जो डॉक्टर दवा बोलेंगे वो दवा मरीज को खानी पड़ेगी। अगर डॉक्टर सर्जरी बोलेंगे, मरीज को वो करवानी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर उस समय बेहतर जानते हैं कि उनकी मरीज के फ़ायदा करवाने के लिए कौन सी पद्धति या कौन सा इलाज ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये कृपया मत कहें कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जो ज़रूरी होगा एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे। हाँ, रत्न अगर आप नहीं पहन सकते तो उसका अल्टरनेटिव अपने एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हर कोई रत्न को अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये बहुत महंगा उपाय है। तो लाल किताब के द्वारा, नाड़ी शास्त्र के द्वारा या पूजा पद्धति के द्वारा कई ऐसी और विद्याएं हैं जिनमें कई मामलों में जेम स्टोन से हटके भी उपाय होते हैं। तो जेम स्टोन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको लाइफ में असर नहीं होगा। जेम स्टोन जो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा सकते, कर रहे, तो खुल के एस्ट्रोलॉजर से बात करिए, तो वो आपको इसका कोई अल्टरनेटिव उपाय बताएंगे, उसको करिए। लाइफ में कभी किसी एक चीज़ के बिना दुनिया नहीं रुकती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। केवल इतना भर करने से अगर आपके जीवन में परिवर्तन आता है तो ही इस विद्या का फायदा है, अन्यत्र किसी विद्या का कोई फायदा नहीं है। तो इन तमाम बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाते जाते यही आपको फिर से कहना चाहेंगे कि एक्सपेरिमेंटल मत बनिए, बिना सलाह के कुछ मत कीजिए, और हर एक चीज़ के लिए रत्न धारण करने की मत सोचिए। रत्न फ़ायदा करते हैं, लेकिन बिना सलाह के कभी कुछ मत करें। कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना होगा। मुलाकात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर्स आपके सामने हैं। शुभ लाभ किट लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यही नंबर्स आपकी सहायता करेंगे। आपने समय दिया, धन्यवाद उसके लिए। नमस्कार।